Jumping through closets. अभी जो आपने वीडियो देखा है, ये वीडियो एक फेमस यूट्यूबर जैक किंग का वीडियो है। जैक किंग के वीडियोस में मैजिक होते हैं, आई मीन लिटरली। और आज के वीडियो में हम ऐसा ही एक वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, दैट टू ओनली यूजिंग ए मोबाइल फ़ोन। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, बट इसका हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सो स्किप ना करके इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक मिनट, आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो रिकॉर्डिंग से पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ट्राइपॉड यूज़ करना है या फ़ोन किसी स्टेडी जगह पर रख देना है ताकि फ़ोन ना हिले। और ये पूरा क्लिप आपको एक बार में रिकॉर्ड करना है, बीच में फ़ोन को टच नहीं करना है। सो फ़ोन को सेटअप करने के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 सेकेंड्स तक एम्प्टी फ्रेम का शॉट लेना है। उसके बाद आप फ्रेम में एंटर करोगे और डोर के साथ ऐसे टकराओगे जैसे कि आप डोर के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद आपको जल्दी से कपड़ा चेंज कर लेना है और जो कपड़ा आप पहने थे उसका शर्ट के साथ ट्राउज़र को हैंग करके आपको डोर के बाहर ड्रॉप कर देना है। कपड़े को ड्रॉप करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप डोर के फ्रेम के बाहर हो और आपका हाथ तुरंत डोर के फ्रेम के बाहर चला जाए। सो VN एडिटर में हम प्लस में टैप करके एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और जो वीडियो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा वर्क स्पेस है। अब हमें इस वीडियो से सिर्फ 2 पोर्शन चाहिए, एक जहाँ पे मैं डोर से टकराता हूँ और दूसरा जहाँ पे मैं कपड़े को गिराता हूँ। सो उससे पहले वाला पोर्शन मैं डिलीट कर दूंगा। आई थिंक आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ मैं और आगे का पोर्शन मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम इस क्लिप को एक्सपेंड करेंगे क्योंकि जो आगे कट करना है वो हमें फ्रेम बाई फ्रेम देख के कट करना है। सो पूरा एक्सपेंड करके मैं एग्जैक्टली उस जगह पर कट करूँगा जहाँ पर मैं डोर से टकराता हूँ। आई थिंक ये वाला पोजीशन ठीक है, स्प्लिट कर देता हूँ मैं। अब हम पीछे की तरफ जाके एग्जैक्टली उस जगह पे कट करेंगे जहाँ पे हम कपड़े को गिराते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम वहाँ पे कट करेंगे जहाँ पे मेरा हाथ जो है वो इस दरवाजे के फ्रेम से बाहर चला जाए, यानी हम एग्जैक्टली नेक्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे कट करेंगे। आप जैसे देख सकते हैं कि इस फ्रेम में मेरा हाथ जो दरवाज़ा का फ्रेम है उससे बाहर चला गया है। सो मैं यहाँ पे स्प्लिट करूँगा और बीच का पोर्शन में डिलीट कर दूँगा। सो अब हमें ये मिलता है वीडियो। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, इस पोर्शन को हमें मास्क करना है। सो मास्किंग के लिए मैंने जो बोला था कि हम एम्प्टी फ्रेम को रिकॉर्ड करेंगे वो वाला पोर्शन यूज़ करेंगे। सो मास्किंग के लिए एज यू कैन सी टैप टू ऐड स्टिकर दिख रहा है, यहाँ पे टैप करेंगे, वीडियो सेलेक्ट करेंगे और सेम वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे 2 सेकंड का ही वीडियो टाइमलाइन पे आया है क्योंकि टाइमलाइन बहुत छोटा है और ये पूरा 2 सेकंड ये पूरा खाली है, एम्प्टी फ्रेम है। तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ और क्योंकि हमें ये सिर्फ लास्ट वाला पोर्शन में चाहिए जहाँ पे मैं कपड़े को ड्रॉप करता हूँ, सो दिस इज़ फाइन। अब ये मास्क वाला क्लिप को सिलेक्ट करके हमें जाना है नीचे मास्क में। मास्क में हमें चूज़ करना है लीनियर और यहाँ पर हम वर्टिकल करेंगे इसको मास्क को क्योंकि हमें सिर्फ राइट वाला पोर्शन मास्क करना है। सो हम इसको वर्टिकल कर देते हैं और इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ फाइन। सो अब ये जो राइट का पोर्शन है दरवाजे का जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, ये वाला पोर्शन मास्क हो जाएगा। तो मैं ओके कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ यहाँ पर। और अब हम मास्क को एडजस्ट कर सकते हैं। हमें मास्क को एडजस्ट करके इस फ्रेम में फिल करना है, पूरा फ्रेम के साथ फिट करना है। वो हम मैन्युअली कर सकते हैं, बट मैन्युअली करने में क्या होता है कि कभी कभी पूरा मैच नहीं होता क्योंकि ये बहुत छोटा स्क्रीन है और एग्जैक्टली हम शायद मैच नहीं कर पाएंगे। इसका एक इजी सॉल्यूशन है, इस क्लिप को सिलेक्ट करके आप नीचे फिल में टैप कीजिए। फिल में टैप करेंगे तो ये पूरा फिट हो जाएगा मास्क। एंड अब अगर हम प्ले करें, दिस इज़ द वीडियो वी हैव गॉट। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग रिलेटेड वीडियोज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई कीप कमिंग विद मोर कॉन्टेंट लाइक दिस। Please like, share and comment on this video to help it reach people. Stay safe and as always, I'll see you in the next one.